भारतीय घरों की रसोई में सरसों के तेल का उपयोग आम बात है। उत्तर भारत में सरसों के तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। अधिकतर खाद्य पदार्थों को सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। हालांकि लोग सरसों के तेल के अन्य गुणों के बारे में बहुत कम जानते हैं। सरसों का तेल कई गुणों से युक्त है। सरसों के तेल का सेवन कई प्रकार के रोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। सरसों के तेल के सेवन और मालिश से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। लोकल 18 से बातचीत में बागवानी एक्सपर्ट और नौणी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर SP भारद्वाज ने बताया कि सरसों के तेल का प्रयोग जहां भारतीय घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो वहीं इसके अन्य औषधीय लाभ भी है। यह विभिन्न बीमारियों को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने रसोई घर में सबसे ज़्यादा जो तेलों में इस्तेमाल करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल या जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं वो करते हैं। और इसके अब से नहीं बल्कि हमारे बहुत पहले से, सदियों से हम कह सकते हैं, हमारे बुजुर्गों के समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं इसके प्रयोग करने के और इसमें क्या विशेष गुण है जिसको हमारे बुजुर्गों ने इतने पहले पहचान लिया था और आज हम दूसरे रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में ये कितना बेहतर है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं तेल में, एक फैट होता है, दूसरे इसमें ये होता है जिसको हम कहते हैं मूफा, इसको हम कहते हैं मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये इसमें लगभग 60% होते हैं और ये पूफा जिसको हम कह सकते हैं कि पोली सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो इसमें लगभग ये समझे 21% के करीब होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि 6% के करीब इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और 15% के आसपास इसके ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। तो इसमें जो हमारे जो और 12% इसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें देखिए जो हमारी ये दिल के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा जो है हमारी ये कफ और कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कैंसर को पनपने से रोकने में बहुत सहायता करता है। ये हमारे जो रेड ब्लड सेल RBC जिनको कहते हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको बढ़ावा देता है और ये स्टिमुलेंट का भी काम करता है और हमारे पेन को भी जो हमारी शरीर में होती हैं उसमें हो जाता है। ये डायबिटिक हैजर्ड को भी कम करता है और ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है, कैंसर सेल को ये हमारे रोकने में बहुत बड़ा सहायक है। तो इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं।